अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और सब दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज दोस्तों बात करते हैं वेलवेट ऊद की, लताफा का एक लेटेस्ट परफ्यूम समझ लें, क्योंकि 2018 की क्रिएशन है तो ऑब्वियसली लेटेस्ट ही कह सकते हैं, न्यू क्रिएशन कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। अच्छा, लताफे के बारे में एक जनरल सी एक छोटी सी बात मैं दोस्तों को बताता चलूं कि लताफा मेरा फेवरेट तो था ही सही, लेकिन अब इस परफ्यूम के बाद मैं लताफा का समझ लें कि फ़ैन हो गया हूं। बहुत सारे रीज़न हैं। पाकिस्तानी हाउसेस के अंदर जो आपको इम्प्रेशन मिल रहे हैं दोस्तों, नो डाउट कंपटीशन का दौर है। मैं ख़ुद भी इम्प्रेशन मतलब बनाता हूँ, हर बंदे की कोशिश होती है कि उसका इम्प्रेशन अच्छे से अच्छा हो, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी लुक और परफ्यूम भी अच्छा हो। लेकिन जो बात ब्रांडेड परफ्यूम में है वो किसी भी इंप्रेशन में नहीं हो सकती, किसी भी इंप्रेशन में। बहुत ज़्यादा इंप्रेशन मैंने यूज़ किए, बहुत सारे हाउसेस को चेक किया, बहुत सारे हाउसेस के जो डिफरेंट मतलब है कि वो नाम दे रहे हैं, हाइब्रिड्स भी बना रहे हैं, इंप्रेशंस भी बना रहे हैं, इवन के क्रिएशंस भी बना रहे हैं, बट एक जो सेटिस्फेक्शन होती है वो फुलफिल नहीं हो रही। लेकिन जो भी ब्रांड हो, चाहे वो ब्रांड छोटा है, बड़ा है, नीश है, डिज़ाइनर है, उसके अंदर एक स्मूथनेस, एक फ्लैटनेस, एक वेलवेटी सा टच, मतलब है कि प्योर अल्कोहल के साथ उसकी फिक्सेशन होती है, एक फ्रेग्रेंस के अंदर आपको प्योरिटी नज़र आती है। तो लताफत के अंदर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़बरदस्त मिली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही एक कह लें कि मुलायम किस्म के, बड़े अच्छे और सही किस्म के परफ्यूम बना रही है। अच्छा, लुक की बात करें वेलवेट ऊद की, तो वन ऑफ द मोस्ट फंटेस्टिक एक टच दिया उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है। ये बोतल की थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा, मे बी कि थोड़ा सा क्लियर ना हो। वेलवेटी सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ही इन लोगों ने, अच्छा बोतल, ये वेलवेट ऊद की बोतल है दोस्तों। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर भी मतलब है कि रख कर अपने बोतल को सेव कर सकते हैं, इसके अलावा आप बोतल को निकाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वेरिएंट्स की बात करें तो लताफा इज़ वर्किंग वेरी वेरी फाइन। अच्छा, 30 ml, 100 ml, 125 ml आई थिंक, और इससे भी ऊपर की क्वांटिटी में मैं भी के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट फॉर अ रिव्यू, मैं 30 ml की पैकिंग में, मेरा एक इरादा है कि एक सीरियल बना रहा हूँ इंशाल्लाह लताफा की। इससे पहले भी मैंने एक पूल लगाया था दोस्तों चैनल पर कि जब भी मुझे दो परफ्यूमों के अंदर कंपैरिजन करना होता है या किसी परफ्यूम की वीडियो बनानी होती है तो उसका एक पूल लगा देता हूं। तो 81% एक ये परफ्यूम था अना अभियाद, इसकी भी जल्द इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अच्छा, दूसरा वेलवेट ऊद था, तो 81% दोस्तों ने ये कहा कि ईद के दूसरे दिन ही ना वेलवेट ऊद की जो है ना वीडियो आनी चाहिए। अच्छा, इनके वेरिएंट्स की बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा कि डिफरेंट वेरिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मे बी के रसासी या दूसरे ब्रांड्स, टिल द डे मैंने नहीं देखा कि रसासी वगैरह में या क्रिएशन हो गए या दूसरे ब्रांड्स हैं वो 30 ml के पैकिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट लताफा इज़ प्रोवाइडिंग। खुशबू की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, एक कह लें कि वेलवेटी सा लिहाफ है ये वेलवेट ऊद। और अगर आप दोस्तों को एक प्योर ना टस्कन लेदर चाहिए, यू नो कि अगर आप टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर अफोर्ड नहीं कर सकते, यू नो वो एक एक्सपेंसिव रेंज का परफ्यूम है, आप वो बाई नहीं कर सकते, तो 100% आई विल रिकमेंड यू कि आप वेलवेट ऊद की तरफ जाएं। बेस्ट कलोन फॉर मी, वन ऑफ द बेस्ट कलोन ऑफ टस्कन लेदर। टॉप नोट्स में यू विल फील लाइक इट्स अ लेदरी लिहाफ कह लें, बहुत ही प्यारा एक लेदर का नोट आता है, ऊद का टच है, एक लाइट किस्म का सिंथेटिक ऊद है इसके अंदर। अगर आप इस तरह सोच रहे हैं कि इसके अंदर ना एक स्पेसिफिक बड़ा स्ट्रांग और मेच्योर किस्म का ऊद होगा, सो इट्स नॉट सो, ऐसा कुछ नहीं है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। और ऐसे दोस्त के जो ऊद को पसंद नहीं करते, आई विल रिकमेंड दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स, वो भी इस फ्रेग्रेंस को आई होप के पसंद करेंगे। अगर आपको ऊद पसंद नहीं है तब भी ये आप फ्रेग्रेंस आपको पसंद
आएगी, क्योंकि इसमें बड़ा एक लाइट सा ना, हल्का सा एक ऊद का सिंथेटिक टच है, कोई इतना गर्मोट किस्म का, एक पंजेंट किस्म का ऊद नहीं है। लाइक अगर टस्कन लेदर को देखें, दैट्स अ वेरी पंजेंट टाइप ऑफ, बहुत ऑयली, बहुत स्ट्रांग, थोड़ी डार्क एंड मास्कुलिन एंड ज़्यादा पावरफुल बोल्ड फ्रेग्रेंस है। बट एज़ कंपेयर टू टस्कन लेदर, इट्स कह सकते हैं कि लाइटर एक वर्जन है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा ना एक बैलेंस टच दिया इन लोगों ने सिट्रस का, मुझे थोड़ा सा ना इसमें लेमन का एक हल्का सा एक सिट्रस टोन भी फ्रेग्रेंस के अंदर आती है। सीधार वुड की टोन बेस के अंदर मस्की प्लस सीधार चलती है, काफ़ी देर तक वो भी चलती है। थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ये फ्लोरल लगा, लेकिन आई थिंक कंपनी की वेबसाइट पर इट्स नॉट फ्लोरल, वुडी है, लेदरी है, सिंथेटिक ऊद है इसके अंदर, थोड़ा सा फ्रेश है। अच्छा, ये फ्रेग्रेंस के नोट हैं और यही फ्रेग्रेंस की फीलिंग्स हैं। क्वालिटी की बात की जाए, रूम फिलर फ्रेग्रेंस दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस फ्रेग्रेंस के सिर्फ 4 स्प्रे, आई विल रिकमेंड कि आप 2 से 3 फ्रेग्रेंस इसके, सॉरी, इसके पंप लगाते हैं, 2 से 3 शावर भी लगा लें तो एनफ बेहतरीन आपको, मतलब है कि लास्टिंग प्रोजेक्शन फॉर मी 6 to 8 आवर्स आराम से चलता है, 6 से 8 घंटे बेहतरीन चलता है, बट आपके कपड़ों में इसकी फ्रेग्रेंस सेकेंड डे तक भी जाती है। 4 स्प्रे अगर आप करते हैं तो कमरा भर देगा और अच्छे खासे आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। फॉर मी 100% रिकमेंडेड बेस्ट फ्रेग्रेंस, बीस्ट मूड फ्रेग्रेंस और प्रोजेक्टेबल फ्रेग्रेंस, लॉन्गर लास्टिंग फ्रेग्रेंस एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेग्रेंस। अगर हम किसी इम्प्रेशन के साथ कंपेयर करें या किसी और फ्रेग्रेंस के साथ, तो फॉर मी दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस इन इट्स क्वालिटी। अच्छा, प्राइस रेंज की बात करें तो जैसे मैंने कहा डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो 100 ml का वेरिएंट आई थिंक 3200-3500 इस बीच का है, सॉरी कैप गिर गई, लेकिन 30 ml का जो ये वेरिएंट है, ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट रेट्स में मिल रहा है। अच्छा, 2 से 3 वेबसाइट पर मैंने विजिट किया तो लगभग 1000 पाकिस्तानी रुपीस इसकी प्राइस है, बट कहीं पर इसकी 900, 950 इस तरह भी, मतलब है कि रेट है 8.5। तो अगर ये फ्रेग्रेंस आपको 800 से 1000 के बीच में मिल रही है, तो आई थिंक इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बड़ी मतलब है कि आप फिनिशिंग देख सकते हैं बोट इसकी, लास्टिंग आपको मैंने बता दी, प्रोजेक्शन भी बता दी, और फ्रेग्रेंस की मतलब है कि क्लोज कितना है टस्कन लेदर का, ये भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया। ओवरऑल बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, 800 से 1000 के बीच में, फाइनेस्ट चॉइस। सो ये थी आज की वीडियो, किसी किस्म की क्यूरी हो तो कमेंट ज़रूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।